चैप्टर 35 पब्लिक यूटिलिटी डेप्रिसिएशन पॉलिसीज। ऑथर बोलते हैं सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस डेप्रिसिएशन का पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज में होता है, क्योंकि वो कोई डेप्रिसिएशन चार्जेस नहीं काटते मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आर्ग्यूमेंट ये होता है कि डेप्रिसिएशन तो सिर्फ एक बुक कीपिंग एक्सपेंस है, असली में तो कोई कैश आउटले नहीं हो रहा ना हर साल। तो ऑथर बोलते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्चुअल रिडक्शन हो रही है, आपकी कैपिटल एसेट है उसमें एक्चुअल रिडक्शन हो रही है हर साल। तो ये असली में एक आपके बिजनेस का एक्सपेंस है और ये उतना ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जितना कि वेजेस और रेंट होते हैं। फिर ऑथर कुछ मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस की बात बताते हैं कि कई बार क्या करते हैं लोग, कुछ पार्ट डेप्रिसिएशन का अर्निंग से निकाल लेते हैं और बाकी पार्ट सरप्लस अकाउंट से निकाल देते हैं, ताकि जो अर्निंग्स ओवरस्टेट हो जाए स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाए, क्योंकि अर्निंग्स पे डिपेंड करती है स्टॉक की प्राइस। और अर्निंग से सिर्फ उतना निकालेंगे जो इंडेंचर मिनिमा होता है। इंडेंचर मिनिमा मतलब इंडेंचर वही होता है जो बॉन्ड की पूरी वो चिट्ठा होता है, जैसे स्टॉक का पूरा चिट्ठा होता है वैसे बॉन्ड का पूरा चिट्ठा होता है, पूरा लिखी होती है उस पर टर्म्स एंड कंडीशन ये वो, उस पर मिनिमम डेप्रिसिएशन भी लिखा होता है। तो उस पर डेप्रिसिएशन क्यों लिखा होगा, क्योंकि आप बॉन्ड्स इशू करते हैं, पैसा रेज करते हैं, किस लिए करते हैं, इक्विपमेंट वगैरह खरीदने के लिए करते हैं। फिर ऑथर कुछ एग्जांपल्स देते हैं गलत अकाउंटिंग पॉलिसीज का जो कि डेप्रिसिएशन के लिए यूज होती हैं। तो वही है जो हमने बात की है, कुछ नहीं है इसमें। या तो एसेट कम दिखा दोगे तुम अपने ताकि डेप्रिसिएशन भी कम हो जाए और फिर इनकम ज्यादा हो जाएगी आपकी, या फिर अगर एसेट राइट डाउन नहीं कर रहे आप, एसेट उतने ही रखे हुए हैं, तो आपने कुछ पार्ट डेप्रिसिएशन का यहाँ से उड़ा दिया, कुछ पार्ट आपने सरप्लस में डाल दिया या पूरा ही सरप्लस में डाल दिया। मतलब यह डेप्रिसिएशन जितनी एक्चुअल है उससे कम दिखानी है और अर्निंग्स ओवरस्टेट करनी है, अगर कोई भी तरीका यूज हो रहा है ना ऐसा करने के लिए, तो गलत अकाउंटिंग पॉलिसी है, मैनिपुलेट किया जा रहा है सिंपल। फिर ऑथर डेप्रिसिएशन मेथड्स की बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, सिंकिंग फंड मेथड और ओवरऑल मेथड। तो ये आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड की कितनी बार बात कर चुका हूँ मैं, नाम चाहे ना लिया हो पता नहीं मुझे। 10 लाख का एसेट खरीदा आपने, 10 साल की लाइफ है, 1 लाख हर साल इनकम स्टेटमेंट से डिडक्ट होगा सिंपल। सिंकिंग फंड मेथड में कुछ स्टार्टिंग वाले ईयर्स में कम डिडक्शन होती हैं, आगे वालों में ज़्यादा डिडक्शन होती हैं, ऐसे ही 100 तरीके होते हैं। या स्टार्टिंग में ज़्यादा डिडक्ट कर लिया, बाद में थोड़ा थोड़ा डिडक्ट किया, सारा जो आपका फिक्स्ड एसेट्स हैं सब पे स्ट्रेट लाइन लगा दिया, मतलब सिंगल परसेंटेज यूज़ कर ली, या फिर अलग अलग एसेट की अलग अलग लाइफ है तो अलग अलग डेप्रिसिएशन यूज़ की और फिर सबको ऐड कर दिया। फिर आ जाओ डबल अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑन डेप्रिसिएशन। इसमें आप टैक्स रिटर्न के लिए तो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं और इनकम अकाउंट के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, ताकि आप अर्निंग्स को ओवरस्टेट कर सकें। तो हमें वो उनका टैक्स का भी चेक करना चाहिए कि टैक्स कितना पे किया कंपनी ने, कितना रेट है, टैक्सेबल इनकम कितनी थी और तेरा इनकम स्टेटमेंट में कितनी है इनकम। ज़्यादा ही फर्क है तो भाई कुछ गड़बड़ है, और डीप जाओ उसमें डिटेल में, पता करो कि क्या दिक्कत है फिर। तो ऑथर बोलते हैं इन जनरल हमें जो कंपनी का टैक्स बेस है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होता है वो, जो कि लॉजिकल है। बिल्कुल सही बात है, मुझे भी लॉजिकल लगता है। और अगर कंपनी इनकम टैक्स फाइलिंग में गलत डेप्रिसिएशन शो करेगी, ज़्यादा ही डिडक्ट कर लेगी, तो इनकम टैक्स वाले एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो इसलिए वो सही ही शो करेगी। और दूसरी बात कि आपको कंजर्वेटिव रहना चाहिए स्टॉक खरीदते हुए। फिर ऑथर बात करते हैं रीजंस फॉर रिजेक्टिंग या फिर क्वेश्चनिंग इनकम टैक्स बेसिस, मतलब कब हमें इनकम टैक्स बेस रिजेक्ट करना चाहिए। पहला तो तब अगर जो भी पब्लिक यूटिलिटी कंपनी है, अगर स्टेट कमीशन ने उसे बोला हुआ है कि यही मेथड यूज करना है तुझे इनकम स्टेटमेंट में शो करने के लिए, अलाउ किया हुआ है, तो हाँ ठीक है, फिर कोई बात नहीं, हम इनकम स्टेटमेंट वाला उठा लेंगे और टैक्स वाला रिजेक्ट कर देंगे। या फिर अगर कोई कंपनी लिबरल डेप्रिसिएशन पॉलिसी यूज कर रही है, लिबरल मतलब अच्छी खासी डेप्रिसिएशन उड़ा रही है, खुली डेप्रिसिएशन, तो ठीक है, फिर वो अंडरस्टेट ही कर रही होगी अर्निंग्स को, ओवरस्टेट नहीं कर रही होगी। तो इसमें ऑथर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि 13.5% ऑफ ग्रॉस इनकम इनकम स्टेटमेंट से और 18.2% ऑफ ग्रॉस इनकम टैक्स रिटर्न वाली स्टेटमेंट से। तो अब ऑथर अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि 12.5% ऑफ ग्रॉस ये बीच का है, किसके बीच का है, जो इनकम स्टेटमेंट में एवरेज फिगर यूज होता है और जो टैक्स रिटर्न में एवरेज फिगर यूज होता है, उन दोनों के बीच का है। तो अगर जो टैक्स फिगर है वो 12.5% से ज्यादा है, तो आप 12.5% ही यूज करोगे, चाहे कंपनी ने 18.5 शो किया हुआ, तो आपको 12.5 ही लेना है, उसकी डेप्रिसिएशन कम कर देना, इनकम बढ़ा देना उसकी, वो ज्यादा ही कंपनी लिबरल हो रही है, स्ट्रिंजेंट हो रही है खुद के लिए। लेकिन अगर जो टैक्स फिगर है वो 12.5% से कम है, तो आप
टैक्स फिगर उठाओगे। तो ऑथर बोलते हैं फिर क्या प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है इन चीज़ों का जिनकी हम बात कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन पॉलिसीज की जो बात कर रहे हैं, इसका कुछ फ़ायदा भी है ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ऑथर बोलते हैं इसका फ़ायदा यह है कि 1934 से पहले जो कंपनीज बहुत ही कम डेप्रिसिएशन चार्ज करती थी, मतलब अपनी जितनी एक्चुअल डेप्रिसिएशन थी उसके बजाय कम चार्ज करती थी इनकम स्टेटमेंट में, जिनकी अर्निंग्स ओवरस्टेटेड थी, तो उनकी स्टॉक्स भी ओवरवैल्यूड थी स्टॉक मार्केट में, क्योंकि इन्वेस्टर तो ध्यान देता नहीं था डेप्रिसिएशन कैसे निकाल लिए क्या किया है, सिर्फ जो मेन फाइनल रिपोर्टेड अर्निंग्स है उस पे ध्यान देता था इन्वेस्टर। तो उत्तर बोलते हैं अगर कोई समझदार एनालिस्ट होता तो वो जो लेस कंजर्वेटिव कंपनीज थी यानी कि जो कम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही थी, अपनी अर्निंग्स ओवरस्टेट कर रही थी, जिनके स्टॉक प्राइसेस हाई थे, उनसे अपना पैसा निकाल के मोर कंजर्वेटिव कंपनीज में डाल सकता था जो कि डेप्रिसिएशन अच्छी खासी शो कर रही थी, जिनकी इनकम कम थी, जो अंडरवैल्यूड थी उसी वजह से, क्योंकि सूनर और लेटर लेस कंजर्वेटिव कंपनीज हैं जो अपनी डेप्रिसिएशन कम शो कर रही हैं उनको भी एक्चुअल डेप्रिसिएशन शो करनी पड़ेगी, कभी ना कभी तो उन्हें करना ही पड़ेगा, एसेट तो जितने घिस रहे हैं उतने ही घिसेंगे। और इससे क्या होगा, जब जो लेस कंजर्वेटिव कंपनीज हैं वो अपनी एक्चुअल डेप्रिसिएशन शो करेंगी सूनर और लेटर, फिर उनकी स्टॉक प्राइस ठुकेंगे क्योंकि वो ओवर प्राइस थी पहले से, और फिर लोग क्या करेंगे, लेस कंजर्वेटिव कंपनी से पैसा मोर कंजर्वेटिव कंपनीज में घुसाएंगे, जिससे मोर कंजर्वेटिव कंपनीज के स्टॉक प्राइस शूट करेंगे, और उसमें तो हम पहले ही बैठे हुए थे तो हमारा भी फायदा होगा।